हेलो दोस्तों, मैं कैलाजी सर, एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक इन कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इन कंप्यूटर के अंतर्गत आज अपन सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के पीछे अपना टारगेट ये है कि अपन जो भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि अपन मान ले कोई भी एग्जाम हो रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भले आप आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें मान लो, चाहे आप एलडीसी के एग्जाम हो, चाहे आप पटवारी के एग्जाम हो, या किसी भी तरह का जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके अंदर हमेशा कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए आज की क्लास विशेष रूप से इस टॉपिक पे तैयार की गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, बेसिक इन कंप्यूटर की क्लासे अपन पढ़ रहे थे। कुछ क्लासे मैंने आपको पहले पढ़ा दी, वो आपने नहीं देखी तो देख लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है। आज अपन सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपन दोनों को एक ही मानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक ही चीज है, दोनों के नाम सेम है। चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम, ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन के अंदर जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे ना तब तक क्या होगा, वो नहीं चल सकती। चल सकती क्या कंप्यूटर का, सोच लो उसके अंदर से सॉफ्टवेयर हट गया। मोबाइल ही मान लो, आपके पास एक मोबाइल है, उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर हट गया तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर हटते ही क्या होगा, वो एक तरह का केवल हार्डवेयर रह गया है, एक खिलौना मात्र रह गया जिसके अंदर कोई काम नहीं होता। उसी तरह से अपन कंप्यूटर को भी मानते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक जिसके अंदर हार्डवेयर से संबंधित काफी चीजें पड़ी हुई है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीजें पड़ी हुई। लेकिन जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, ये कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं करोगे सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से। आजकल उसको फॉर्मेटिंग नहीं बोलते अपन, कि अपना कंप्यूटर खराब हो गया और उसको फॉर्मेट करके अपन ने उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डलाया, सॉफ्टवेयर डलाया, तो वो जो चीज होती है ना वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं मान रहा हूं कि भाई जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनको मैं आज आपको बताने वाला हूं। फिलहाल अपन क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जिसका मुख्य कार्य सिस्टम को ऑपरेट करना तथा उसको कंट्रोल करना होता है। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है। क्या होता है, खूब सारे उसमें प्रोग्राम लिखे होते हैं, उनका एक ग्रुप क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम का एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ये कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये जो है हमारे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये जो प्रोग्राम का ग्रुप है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम का ग्रुप है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है तथा उसे ऑपरेट करता है, मतलब उसे चलाता है और उसको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल कैसे करता है, मतलब कीबोर्ड से टाइपिंग करना है, माउस से क्लिक करना है, प्रिंटर से प्रिंट निकालना है ना, ये जो सारी चीजें, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगर अपन ने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो ये क्या हो गया, यूजर यानी हमारे लिए उपयोग करने योग्य बन गया। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नहीं डाला है तब तक क्या होगा, हमारा ये जो कंप्यूटर है ये हमारे काम का नहीं होगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यूजर के लिए
उपयोग करने योग्य बनाता है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करवाता है। कंप्यूटर क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, और कंप्यूटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, और उन सॉफ्टवेयर का यूज कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करवाता है, आमने सामने करता है। मतलब जैसे हम कंप्यूटर के सामने जाके बैठ गए और कंप्यूटर और हमारा आमना सामना हो रहा है, और वो हो रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो जो सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब चल सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। नॉर्मली हम विंडोज लिनक्स यूनिक्स जो ये एमएस डॉस है ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कैटेगरी है, देखते हैं कैसे इसको बांटा गया है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, विंडोज लिनक्स यूनिक्स एमएस डॉस ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं, लेकिन इनको हमने क्या कर रखा अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, एक कंप्यूटर है और उस पर एक व्यक्ति बैठकर काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति बैठ के काम कर रहा है, तो वो हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक सिस्टम पर नहीं, एक सिस्टम पे एक से अधिक लोग बैठ के काम करेंगे ना तो उसे मल्टी यूजर नहीं कहेंगे। मल्टी यूजर किसे कहेंगे, जिसमें एक से अधिक कंप्यूटर तो होंगे लेकिन क्या होगा उन सब में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसके अंदर सिंगल व्यक्ति काम कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक से अधिक लोग काम कर सकते। ठीक है, अब वो एक से अधिक लोग कैसे काम कर रहे हैं, एक तरह से वो नेट से जुड़े हुए हैं, एक केबल से जुड़े हुए हैं सारे कंप्यूटर और सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकों में देखा होगा आपने, और ये होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने घरों पे अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या इसकी डेफिनेशन क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो देख लेते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ही ये दिख रहा है, इसकी डेफिनेशन हुई, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक यूजर कार्य कर सकता है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, पहला है एमएस डॉस और दूसरा है विंडोज। इनको अपन ने वापस कैटेगरी में बांटा हुआ है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने दो भागों में बांटा है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसके अंतर्गत सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई एक यूजर कार्य कर रहा है लेकिन वो क्या कर सकता है, केवल एक ही कार्य कर सकता है, उसके अलावा वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता, ऐसा होता है एमएस डॉस। इसका एग्जांपल क्या है एमएस डॉस, इसकी परिभाषा क्या हुई सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक यूजर कार्य कर सकता है, और सिंगल टास्किंग का मतलब क्या हुआ केवल एक कार्य कर सकता है। टास्क को हम क्या मान रहे हैं कार्य, मतलब अपन कंप्यूटर में काम कर रहे हैं लेकिन केवल एक काम कर सकते हैं, जैसे क्या हो रहा एमएस डॉस। ठीक है, तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक व्यक्ति काम कर रहा और एक कार्य
कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका देखते हैं अपन, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। है ना, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझना। इसके अंतर्गत क्या होता है, सिंगल यूजर मतलब काम तो एक यूजर कर रहा है लेकिन कार्य क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्किंग। टास्क मतलब कार्य, मल्टीपल टास्किंग मतलब एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकता है। ये है विंडोज। क्या है, विंडोज। विंडोज के अंदर क्या होता है, जो आप चलाते हो, विंडोज के अलग अलग वर्जन होते हैं। क्या होता है वर्जन, विंडोज 95, विंडोज 97, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज 2007 जो आपने देखा होगा, उसके बाद विंडोज 8, विंडोज 10 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, विंडोज 10 चल रहा है। ये सारे जो है ना विंडोज जो अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, हम उसका यूज करते हैं, उसके अंदर क्या सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मतलब एक व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक से अधिक काम। यानी कि जैसे उसने क्या कर रखा, गाने भी चला रखे हैं, उसके अंदर वो फोटो भी देख रहा है, साइट में टाइपिंग भी कर रहा है, उसके साथ साथ वो क्या टेली भी चला रहा है, मतलब कई सारे कार्य कर सकता है। तो क्लियर है ये, इसमें क्या हो रहा है, सिंगल यूजर काम कर रहा है, एक यूजर मतलब जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, अकेले बैठे हो, कंप्यूटर चला रहे हो तो सिंगल यूजर हो गए, लेकिन उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर खूब सारी चीजें चला सकते हो। तो वो किसमें संभव है, विंडोज के अंदर संभव है। किसमें संभव है, विंडोज के अंदर आप खूब सारे मल्टीटास्किंग काम कर सकते हो। कौन से कार्य कर सकते हो, मल्टीटास्किंग। तो क्लियर है ये आपको, मतलब आप अपने घर पे बैठे हो, काम कर रहे हो और उसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है वो डाल रखा है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मतलब सिंगल टास्किंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। अगर आपने अपने कंप्यूटर में MS-DOS डाल दिया है तो केवल MS-DOS ही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। लेकिन यदि आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज चलाए तो आप उसके साथ साथ गाने भी चला सकते हो, फोटोशॉप भी चला सकते हो, उधर टाइपिंग भी कर सकते हो, सारे काम आप एक साथ कर सकते हो, उससे कहते हैं अपन मल्टी टास्किंग। सिंगल यूजर तो अपन हो गए, एक जना बैठा घर पे काम कर रहा है वो हो गया सिंगल यूजर, लेकिन उसके अंदर अगर आप केवल एक कार्य कर सकते हो तो वैसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, MS-DOS, और एक से अधिक कार्य कर सकते हो तो वो है विंडोज। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। अब दूसरा क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, कई यूजर कार्य कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में ये लोग काम कर सकते हैं। यानी कि सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक विशेष नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं, वो हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सके। अब इसको भी क्या कर रखा है, फिर से दो भागों में बांट रखा है। पहला क्या है, जैसे ये है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ये है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि क्या हो रहा है, सभी यूजर काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर और सभी यूजर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल काम कर पा रहे हैं। ये सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, इन सब पे ये यूजर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब जने क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का कार्य सब पे चल रहा है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, उसके अंदर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है कंपनी वालों ने कि उस पे सारे यूजर आपस में जुड़े हुए तो हैं, मल्टीटास्किंग तो है, लेकिन क्या है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, एग्जाम्पल में यूनिक्स। क्या आता है, यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे मल्टी यूजर काम कर सकते हैं
लेकिन वो क्या कर सकते हैं, केवल एक कार्य कर सकते हैं, सिंगल टास्किंग। ओके, यहाँ पे एमएस डॉस था सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में, और मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग में आया यूनिक्स। ओके, ये कंपनियों में यूज होता है, बड़ा बड़ी कंपनियों में चलता है। दूसरा जो इसका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका दूसरा भाग क्या है, मल्टी यूजर लेकिन सिंगल नहीं हो गए, मल्टी टास्किंग हो गई। क्या हो गई, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, एक से अधिक यूजर काम कर रहे हैं और मल्टी टास्किंग मतलब सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ये भी जैसे खाने भी सुन रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, ये भी उसकी मर्जी जो काम कर रहा है, फोटोशॉप चला रहा है, सब आपस में जुड़े हुए तो है लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी के अंदर है तो इसका काम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसको सॉफ्टवेयर में एरर निकालना है, तो इसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, मतलब अलग अलग कार्य दे रहे हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ, मल्टी यूजर सब काम कर रहे हैं, एक से अधिक यूजर काम कर रहे हैं और मल्टी टास्किंग एक से अधिक कार्य कर रहे हैं, एक से अधिक यूजर एक से अधिक तरीके कार्य कर सकते हैं, सब अपना अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, लाइनक्स, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। आप अपने कंप्यूटर में इसको जब चलाते हैं तो इसका लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, कंपनी वालों ने इसको फ्री में दे रखा कि आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। जबकि विंडोज जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है, मानी हुई कंपनी है, उसने विंडोज को बना रखा है। आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस के बाद ही आप अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल सकते हैं, जबकि लाइनक्स इसके लिए फ्री है। इसके अंतर्गत एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो होता है विंडोज एनटी, विंडोज एनटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये नाम आपके लिए नए हैं क्योंकि ये नाम अभी तक आपके यूज में आए नहीं, आपका इससे काम नहीं पड़ा, लेकिन आपको इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, इसका ध्यान जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा जो जानकारी प्रदान की जा रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली नई नई जानकारियों की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।